इंडिया का डीएनए का सबसे पावरफुल सेशन, सबसे बड़ा सेशन, सबसे हैवीवेट सेशन और जिसको आप कह सकते हैं कि ग्रैंड फिनाले अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे आप स्वागत करें। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, खास तौर पर आज जब आपसे बात हो रही है तो पूरा देश, असल में पूरा मीडिया आपको ढूंढ रहा है, पूरे देश के लोग भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में कल ही आपने अपना गठबंधन तोड़ा है पीडीपी से, और सारा देश ये जानना चाहता है कि क्या आप अब मानते हैं कि कश्मीर में जो प्रयोग था वो असफल रहा? देखिए, जिस प्रकार का जनादेश मिला था उसमें बहुत सीमित ऑप्शन सभी पार्टियों के सामने थे। स्थिति ही ऐसी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावे सरकार ही नहीं बन सकती थी, ना पीडीपी के अलावे सरकार बन सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने दो विकल्प थे, एक तो लंबा समय राष्ट्रपति शासन चलाकर फिर से चुनाव में जाना, या पीडीपी के साथ गठबंधन करना। क्योंकि कश्मीर का मामला हो, पूरी दुनिया देखती है और हम मानते हैं कि कश्मीर में चुनी हुई सरकार होना देश के लिए अच्छा है, कश्मीर के लिए अच्छा है। तो उस वक्त हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार बनाने का एक फैसला किया था। मुफ्ती साहब थे उस वक्त और सरकार के मुखिया मुफ्ती साहब बने और हमने एक फैसला लिया था जी। मगर कोई फैसला अंतिम नहीं होता है, चार साल के अंतराल के बाद जब हम रिव्यू करने बैठे तब हमने लगा कि आज यही उचित है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले, और जो हमने किया है। और मैं मानता हूं देश की जनता ने भी उस वक्त भी हमारे सरकार बनाने के निर्णय की स्वागत की थी, और आज सरकार में से निकलने के निर्णय का भी स्वागत देश भर की जनता ने किया जी। आपको याद होगा जब सरकार बनी ही थी और मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अगले दिन ही कह दिया था कि मैं तो पाकिस्तान के अलगाववादी ताकतों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कश्मीर में चुनाव होने दिया। और आप जानते थे कि बीजेपी और पीडीपी एकदम विपरीत धुरियां हैं, ये कभी साथ नहीं आ सकते। उस वक्त लोगों ने कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं, ये कांटों का ताज है। ये सब आप लोगों को साहित्यिक वर्णन करने के लिए ठीक है। बीजेपी और पीडीपी साथ हो या सामने आमने सामने हो, दोनों अपने मुद्दे नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, जब से कार्यकर्ता नाते मेरा जन्म हुआ तब से जो है, वो आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब तक वो ही ना। हमने कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है ना, आगे भारतीय जनता पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश है। परंतु मैंने जैसे कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, एक विकास के एजेंडे के तहत, बाकी सारे मुद्दे साइड पर रखकर एक अलायंस किया गया था जिसका एजेंडा गवर्नेंस का था, जिसका एजेंडा विकास का था, जिसका एजेंडा संतुलित विकास का था। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर घाटी, तीनों का संतुलित विकास हो, ये प्रमुख एजेंडा था। और भारत सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ किया। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था जिसमें 61,000 करोड़ रुपए हमने चुकता कर दिए हैं। IIM दिया, IIT दिया, 5 मेडिकल कॉलेज दिए, लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा के रोड दिए, जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कश्मीर और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की यातायात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग वाला रोड आज कश्मीर में बना है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमने बहुत काम किया। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए हमने पैसा भेज दिया है कश्मीर सरकार के पास। पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनके लिए भी पैसा हमने भेज दिया है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से जो लोग आए हैं उनके लिए भी पैसा भेज दिया है। मगर ये सारी चीजें आगे ही नहीं बढ़ी, कब तक राह देखते हैं? मैं नहीं मानता कि महबूबा जी की नीयत नहीं होगी या मनसा नहीं होगी, मगर प्रेशर ग्रुप इस प्रकार के खड़े हुए जिसने संतुलित विकास का हमारा स्वप्न को तोड़ा। महबूबा जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख
तीनों के बीच में विकास का जो संतुलन होना चाहिए वो नहीं रहा, कहीं ना कहीं ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक। तो महबूबा जी के साथ इतने वर्ष गठबंधन करने के बाद, लगभग 3 साल, आप कैसे आंकते हैं उनको, एक सहयोगी के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा? आपको ऐसा लगा कि ये गलती थी, आपने जरूरत से ज्यादा करके आंक लिया था पीडीपी को? देखिए, गलती तो तब होती है जब हमारे पास दो ऑप्शन हो। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था सुधीर जी, जनादेश ही इस प्रकार का था, खंडित जनादेश था, ऑप्शन क्या था आपके पास? और प्रयोग विफल जाएगा, इस भय से प्रयोग न करना, मैं नहीं मानता कि राजनीति में एक प्रोग्रेसिव राजनीति का एक लक्षण होता है। विफल जाएगा तब रिव्यू करेंगे, और किया भी हमने। आपको ऐसा लगा कि ये एक चुनावी फैसला भी है, क्योंकि बीजेपी की छवि लगातार खराब हो रही थी, 2019 में चुनाव है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है? मैं दूर दूर तक तो उसको चुनावी फैसला नहीं मानता हूँ। अक्सर जनता को भूल जाने की आदत है, अगर चुनावी फैसला होता तो 6 महीने बाद भी लिया जा सकता था। आप देखना, आप लोग ही चुनाव में कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाओगे। पर आप बनाएंगे? हमें बनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी। हमारे ज्यादातर मुद्दे हम नहीं उठाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा, हम राम मंदिर बनाने में विश्वास करते हैं, उसका चुनावी राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी करती है, इससे हमें फायदा होता है हमेशा। पर आपके जो 3 मुद्दे थे उसमें से एक धारा 370 भी थी, आपको इतना अच्छा मौका मिला, बीजेपी पहले तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इतनी हद तक एक्टिव थी नहीं, सीटें भी मिली, सरकार भी बन गई, तो एक बहुत अच्छा विंडो आपको मिला था कि आप बहुत कुछ कर सकते थे। देखिए, धारा 370 को हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखा गया, जैसे अपसफा उठाने के मुद्दे को भी बाहर रखा गया था, अलगावादियों को सीखे बातचीत को भी बाहर रखा गया था, ये सारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दे ही नहीं थे। धारा 370 का मुद्दा पहले भी कभी बीजेपी ने नहीं छोड़ा है, आज भी नहीं छोड़ा है, मगर जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना तब हमने ये मुद्दे को इसमें नहीं रखा था, क्योंकि हमारा गठबंधन जिस पार्टी से होने जा रहा था वो स्वाभाविक रूप से इससे सहमत न होगी। वैसे इनकी भी कुछ चीजें थी, पीडीपी की भी, जिससे हम सहमत न होते, तो जिस पर सहमति नहीं थी वो सारे मुद्दों को साइड पर रखकर जम्मू के विकास के लिए, लद्दाख के विकास के लिए और एक संतुलित विकास के स्वप्न के साथ ये सरकार बनाई गई थी। अमित जी, अब नीचे की तरफ आते हैं और बाकी कश्मीर से और बाकी देश की अगर बात करें, तो इस दौरान एक महागठबंधन नाम की चीज पैदा हुई है, कर्नाटक से उसकी शुरुआत हुई और लगातार हर रोज महागठबंधन के नाम पर एक माहौल पैदा हो रहा है, मोदी वर्सेस ऑल। और एक कैलकुलेशन ये भी कहती है कि अगर इन सारी पार्टियों का वोट शेयर मिला लिया जाए तो आपका पिछली बार 31% था 2014 में, इनका 41% है मिलाकर, तो बीजेपी के लिए मुश्किल समय शुरू हो गया है और बीजेपी अब 2014 वाली स्थिति में नहीं रही, ये ऐसा माहौल अभी तैयार होता दिख रहा है। आप इससे चिंतित हैं या आप बिल्कुल निश्चिंत हैं और आप इसको गंभीरता से नहीं लेते? देखिए, मुश्किल दौर आप किस दृष्टि से कह रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज 19 सरकारें हैं। 2014 में हमारे पास 4 मुख्यमंत्री थे, आज 15 मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं मानता ये मुश्किल समय है। 2014 में हमारा देश के 22% भूभाग पर शासन था, आज देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल हुआ करता था, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, बीजेपी में अभी गया भी नहीं था, संघ का कार्यकर्ता था, संघ का स्वयंसेवक था, मगर मुझे ईर्ष्या आती थी कि क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, एक और अकेली कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर सारे इकट्ठा हुए कांग्रेस को हराने के लिए, बड़ी मजबूत स्थिति थी। आज मुझे आनंद है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल, देश की राजनीति के हम ध्रुव बने हैं, सारे सिद्धांत छोड़कर सब एकत्रित आते हैं। और अब जहां तक चुनावी बात का सवाल है, संभावनाओं का सवाल है, मुझे एक बात बताइए सुधीर जी, ये सारे हमारे खिलाफ जो आपको लामबंद दिखते हैं,
उसमें से कौन 2014 के चुनाव में हमारे खिलाफ था, खिलाफ नहीं था? है एक भी दल? शरद पवार खिलाफ थे या नहीं थे? कांग्रेस पार्टी खिलाफ थी या नहीं थी? बहन ममता जी दीदी खिलाफ थी या नहीं थी? देवगौड़ा जी खिलाफ थे या नहीं थे? कौन खिलाफ नहीं था? ये सारे खिलाफ थे, तब भी चुनाव हुआ था, आज भी चुनाव होगा। और जहां तक इकट्ठा होने का सवाल है, मुझे बताइए ममता जी की सभा अगर उत्तराखंड में रख दी जाए तो क्या होगा? या चंद्रा बाबू जी की सभा उत्तर प्रदेश में रख दीजिए, कुमार स्वामी की सभा पंजाब में रख दीजिए, कुछ नहीं होता जी। ये सारे अपने अपने राज्य में हमारे सामने चुनाव लड़े, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा इकट्ठा होने से फर्क पड़ता है। बाकी ये सारे अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, तब भी हारे थे, आज भी हारेंगे। पर चलिए, आपने ये तो माना कि उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ता है और उत्तर प्रदेश अकेले ही 80 सीट है वहां, तो अगर 80 में से अगर आधी सीट भी आपकी निकल गई, जैसा कि वो अपनी कैलकुलेशन में बताते हैं कि अगर वो मिल गए होते 2014 में तो आपको 20 से 30 सीटें ही मिलती, अगर इस बार अगर ऐसा हो गया तो आपकी करीब 50-60 सीटें तो एक राज्य से ही निकल जाएंगी। देखिए सुधीर जी, पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं होता है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री होती है। 100 ग्राम में 100 ग्राम कर दो तो 200 ग्राम नहीं होता है फिजिक्स की तरह। एसिड के अंदर और कोई पदार्थ मिला दो तो तीसरा ही पदार्थ खड़ा हो जाता है। इसका कैलकुलेशन स्टूडियो में बैठकर नहीं किया जा सकता। और मैं फिर भी फिजिक्स के हिसाब से भी गिनना है तो आपको गिना सकता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हमें 44% वोट मिला है जी। 44% से 51% का जो छलांग लगाना है वो इतना बड़ा नहीं है जी। जब सबके टिकट कटेंगे, बसपा के टिकट कटेंगे, कहीं सपा को देने के लिए, कहीं सपा को देने के लिए, कांग्रेस को खैर वो दोनों पूछते ही नहीं है, परंतु जो टिकट कटेंगे उससे भी बड़ा अंतर विरोध होता है। और मैं आपको बताता हूं, देश जब निर्णय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक समग्र देश का एक विचार होगा कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री। और इसका कारण है भैया, राहुल जी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। राहुल जी क्या कहते हैं, अरे ममता जी क्या कहती है, नरेंद्र मोदी हटाओ, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। चंद्रा बाबू क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी हटाओ, हम कहते हैं अव्यवस्था हटाओ। गठबंधन की सरकारों को सबने देखा है, एनडीए का गठबंधन भी देखा है, यूपीए का गठबंधन भी देखा है, जिसमें प्रधानमंत्री को, यूपीए के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता था गठबंधन मेरी मजबूरी है। आज एनडीए का गठबंधन चल रहा है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, सभी साथियों को राज्यों में भी हम साथ में लेकर सरकार चलाया है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत है, सारे साथी हमारे साथ है, त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत है, सारे साथी हमारे साथ है, हमने सरकार में उनको स्थान दिया है, असम में पूर्ण बहुमत है, दोनों साथियों को हमने सरकार में जगह दी, हमने गठबंधन धर्म को भी निभाया है और अच्छे शासन देने का प्रयास, सफल प्रयास भी किया है। आपके आने से पहले कांग्रेस के नेता यहाँ मंच पर थे और मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी है, और हम अपने बाकी सब सहयोगियों को भी बताना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के हमारी तरफ से दावेदार हैं। तो आपको इससे लाभ होगा या नुकसान होगा भैया? एक तो आप इतनी गंभीरता से लेते हैं राहुल गांधी को। मैं देखिए, कर्नाटक में उन्होंने स्वयं कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, ये पहली बार किसी कांग्रेसी ने एक्नोलेज किया है कि वो बन सकते हैं। कर्नाटक से लेकर आज तक कांग्रेस का एक नेता नहीं बोला कि हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये पहली बार आपने बुलवा दिया जी। आज बोल के गए अभी। आज बोल के गए, अभी एक भी साथी नहीं बोला है, एक भी साथी नहीं बोला है, कोई नहीं बोलता है। और प्रधानमंत्री तो तब बनना है जब बहुमत आना है। आपको कभी कर्नाटक का मलाल होता है? जैसे कांग्रेस का एक अब नया नैरेटिव है कि एचडी कुमारस्वामी के पास दो विकल्प थे, एक बीजेपी को चुनना और एक कांग्रेस को चुनना, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चुना,
ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि देश की राजनीति बदल रही है, कांग्रेस की छवि बदल रही है। नहीं, तीसरा भी विकल्प था, जैसे हमने किया था वीपी सिंह के समय में, पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं था, जनादेश का सम्मान करते हुए हमने वीपी सिंह को बाहर से समर्थन किया था, तीसरा भी विकल्प था, मगर उन्होंने नहीं चुना। अगर आपको ये कहा जाता कि कांग्रेस समर्थित सरकार को आप भी बाहर से समर्थन दे दीजिए, तो आप करते ही? कांग्रेस समर्थित सरकार का सबसे बड़ी पार्टी तो हम थे। नहीं, आप अगर नहीं बना पा रहे, कांग्रेस की वहां सरकार ही कहां बनती थी, हम तो अपोजिशन में बैठते, जो भी बना था, आज भी बैठे। आपको ऐसा लगा कि ये जो महागठबंधन वाली जो पूरी थ्योरी है, इसको कर्नाटक से ही बल मिला, और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, कर्नाटक से बल नहीं मिला भैया, कर्नाटक में तो तीनों अलग अलग लड़े, हारे भी, कर्नाटक की शपथ में एक फोटो से बल मिला। आप मुझे बताइए, शादी की उम्र अगर 21 साल है तो एक एक साल के 21 बच्चे इकट्ठा कर शादी की जा सकती है क्या? पर आप अमित जी इस बात को मानते हैं कि ये जो प्रचार है, ये प्रचार हाल के दिनों में थोड़ा तेज हुआ है, और इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार ना बनना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाना, उनका थोड़ा सा और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, और महागठबंधन के जो नेता हैं, अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव अगले ही महीने होने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने एग्रेशन अपना दिखा दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा देश में माहौल बदला है, और आपको उससे लड़ाई करनी पड़ रही है। हमें मालूम है कि चुनाव में अभी 11 महीने बाकी हैं, तो कल नहीं होने जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप ही कैलकुलेशन के हिसाब से ये पहले ही पीक कर जाएंगे। ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए क्या बात है कि एक्चुअल में वो गठबंधन को रणनीति मानते हैं, गठबंधन को स्ट्रेंथ मानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 2014 के जनादेश के बाद एक ऐसी सरकार जाने के बाद हम आए थे जिसने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले किए थे, हर महीने एक स्कैम, हर महीने एक घोटाला बाहर आता था, आपको भी याद होगा, आप भी उसका पर्दाफाश करते थे। हमने 4 साल साहब ऐसी सरकार चलाई है जिस पर हमारे विरोधी भी, भ्रष्टाचार का आज तक एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के नहीं। एनडीए सरकार पारदर्शिता के साथ चली है। हमने कहा था जब नरेंद्र भाई को नेता चुना गया, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के पहले, ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, गांव की होगी, किसान की होगी। आज देश में 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवारों को हमने उनका जीवन स्तर उठाने का एक बहुत बड़ा सफल प्रयास किया है। लगभग 4 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 7.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग 18 करोड़ बच्चों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 19,000 ऐसे गाँव जहां पर 70 साल तक कांग्रेस की 4 पीढ़ियां श्री गांधी की शासन कर गई, 19,000 गांव छूट गए थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, 19 के 19,000 गांव में इस अप्रैल में हमने बिजली पहुंचा दी। आज देश में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लगभग 12 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक की माध्यम से हमने रोजगार देने का काम किया है सुधीर जी। 18 करोड़ और लोगों को सिर्फ महीने का 1 रुपया एक्सीडेंट बीमा 2 लाख का, और 1 दिन का 1 रुपया 300 रुपये में 2 साल का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ढेर सारे काम किए भैया, कोई सोच नहीं सकता था कि इस देश के सेना के जवान को कभी वन रैंक वन पेंशन मिल पाएगा। हमने एक ही साल में जवान 40-40 साल से सरकारों के साथ मांग थकते थकते पीढ़ियां बदल गई, मगर वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन 1 साल के अंदर देकर उनकी शहीदों की परिवार का और जिन्होंने सेवा करी ऐसे जवानों का सबका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये जो आप कैलकुलेशन बता रहे हैं, इसके हिसाब से आपने
50 से 60 करोड़ लोगों का तो कम से कम जीवन को आपने छुआ है। 2014 में आपको 17 करोड़ वोट मिले थे, इस हिसाब से तो आपको 30 से 40 करोड़ वोट मिलना चाहिए इस बार। देखिए, जब हम ये करते हैं तब वोट को गिनती में रखकर नहीं करते सुधीर जी, जब हम ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की नीति है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सिद्धांत बनाया था कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है वो प्रथम पंक्ति में प्रथम जो खड़ा है इसके बरोबर हो जाए। उस मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन की एक अच्छी सशक्त शुरुआत करने के लिए हमने किया है, परंतु मैं निश्चित मानता हूं जब ये 22 करोड़ परिवार निर्णय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा तो उसको जरूर याद आएगा कि 70 साल तक किसी ने मेरे घर में टॉयलेट नहीं भेजा था, घर की महिलाओं को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आज हमने उनको टॉयलेट दिया है। इसके घर में किसी ने गैस नहीं भेजा था, बिजली नहीं भेजी थी, बच्चा पढ़ नहीं पाता था। इसके 3 साल तक के बच्चे को किसी ने टीका लगाने के लिए कोई प्रधानमंत्री ने डॉक्टर को इसके घर में नहीं भेजा था, आज ये सारी चीजें हुई है, वो निश्चित याद रखेगा और रखनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ऐसे समय पे बनी जब पूरा देश आशा खो बैठा था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में वेलफेयर स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा। 2014 में लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले सभी लोगों को यह लगता था कि भारत के लोकतंत्र का मॉडल कहीं फेल तो नहीं हो गया। एक के बाद एक सरकारें आती हैं, बेसिक सुविधाओं में कोई सुधार नहीं होता है, और उसी वक्त पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और ये सारी निराशाओं को दूर कर एक आशा का किरण चमकता है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जब दाओस में जाते थे तो एक अच्छी फोटो हो जाए इसकी शुरू से पीआर डिपार्टमेंट पीआईबी व्यवस्था करता था। आज नरेंद्र मोदी गए, दुनिया भर के लोग थे, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद उद्घाटन करने का सौभाग्य दाओस परिषद का भारत के प्रधानमंत्री को। पेरिस में जलवायु सम्मेलन होता है, कहीं दूर अंतिम पंक्ति में भारत बैठा करता था, पेरिस जलवायु सम्मेलन का लीडरशिप लेने का सौभाग्य भारत के प्रधानमंत्री को मिला है और ये सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत का है, भारत के 125 करोड़ लोगों का है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपकी तो प्रधानमंत्री से चर्चा होती रहती होगी, प्रधानमंत्री अपनी इस परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? वो मानते हैं कि उनकी इस परफॉर्मेंस के आधार पर ही पार्टी दोबारा चुनाव जीत जाएगी, दोबारा सरकार में वो आ जाएंगे, या और कुछ करने की ज़रूरत है? जैसे आपको कुछ नए दोस्तों की ज़रूरत है? ऐसा है, जो दौड़ना शुरू करता है पीछे नहीं देखता कितना दौड़ गए हैं, वो आगे ही देखता है कितना बाकी है, वो हमेशा देश में कितना काम बाकी है वो ही देखते हैं, और मैं मानता हूँ ये सही अप्रोच। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, यहाँ पर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।